इन दिनों बागली क्षेत्र में गेहूं के खेतों में आग लगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं गेहूं के खेतों में आग लग रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चापड़ा बागली मार्ग पर स्थित उमिया वेयर हाउस के पास छतरपुर निवासी किसान के खेत में सोमवार की दोपहर को अचानक आग लग गई, जिसमें 3 बीघा से अधिक कटे हुए गेहूं जलकर खाक हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार छतरपुर निवासी किसान राम गोपाल पाटीदार का खेत उमिया वेयर हाउस के पास स्थित है, जिसमें अचानक से खेत में आग लग गई। आगजनी में 3 बीघा से अधिक कटे हुए गेहूं जलकर खाक हो गए। बागली की दमकल व किसानों की मदद से आग पर काबू पाया गया, अन्यथा यहां बड़ा भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि जिस खेत में आग लगी थी उसके पास भी गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। आगजनी में हुए नुकसान का अनुमान नहीं लग पाया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।